बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई वेलकम यू इन द लेक्चर सीरीज ऑन डिजिटल फिल्टर डिज़ाइन। एंड टुडेज टॉपिक इज एफ आई आर हाई पास फिल्टर। जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम लो पास फिल्टर को डिज़ाइन करना सीखा था यूजिंग द रनिंग एवरेज फिल्टर, आज इसी तरीके से उसी टेक्निक को यूज करते हुए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ हम हाई पास फिल्टर को डिज़ाइन करना सीखेंगे। अच्छा, हाई पास से उसको थोड़ा सा मेट्रिक लगाना पड़ेगा कि तो फिर हम उस तरीके से हाई पास फिल्टर को डिजाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि उसमें हमें क्या करना पड़ेगा। जस्ट वाइट बोर्ड पे आ जाते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि लो पास और हाई पास फिल्टर को डिजाइन करने के लिए, लो पास फिल्टर को अगर हमने डिजाइन करना था, लेट्स सपोज ये हमारे पास यूनिट सर्कल है, ये हमारे पास यूनिट सर्कल आ गया, इसको हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब अगर मैंने हाई पास फिल्टर डिज़ाइन करना है तो मैंने सिर्फ करना क्या है कि अपनी जेड इज इक्वल टू वन के ऊपर जाके एक जीरो फेंक, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, एक हाई पास फिल्टर बन जाएगा। लो पास के लिए हम क्या करते थे, जेड इज इक्वल टू माइनस वन के ऊपर जीरो फेंक देते थे। इस हाई पास के लिए हम क्या करना है कि जेड इज इक्वल टू माइनस वन। अगर आपके याद हो कि इससे पहले भी हमने हाई पास फिल्टर का एक लेक्चर किया था जिसमें हमने बीकेस जो थे वो रखे थे वन और माइनस वन रखे थे। ये हमारे पास एक सिंपल हाई पास फिल्टर का था जो कि एक्टिव फिल्टर भी था, इसे एक्टिव फिल्टर भी बोलते हैं। एक्टिव क्यों बोलते हैं, बेसिकली इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पैसिव फिल्टर क्या होते हैं या बाउंडेड रियल ट्रांसफर फंक्शन क्या होते हैं, जहाँ पे मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स जो है वो एट एवरी फ्रिक्वेंसी इज लेस देन इक्वल टू वन, तो वो आपका पैसिव फिल्टर कहलाएगा। इफ द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इज greater than at every frequency greater than 1 then the system is called active system ya active filter. to ye basically active filter ka frequency response tha. to agar humne isi ko let's suppose passive filter design karna to hame kya karna padega, 1 by 2 le lenge aur idhar 1 by 2 kar denge minus, to ye passive filter ban jayega. agar aap iske yahan se frequency response drive karenge to aapko nazar aayega ki aapko jo frequency response hai wo basically aapka ये आपका पैसिव बन गया। यहाँ पे वन बाय टू करने से पैसिव बन गया। अब इसका आप एच ऑफ ई जे ओमेगा कैलकुलेट करते हैं लेट्स सपोज, तो वो आपके पास साइन फंक्शन बन रहा हो, साइन ओमेगा सी बाय टू, ओमेगा बाय टू बन रहा हो। तो ये एक हाई पास फिल्टर का, अदरवाइज अगर वन वन लेते हैं तो यहाँ पे टू साइन आ रहा हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स पाई के ऊपर, जो ये पाई बाय टू के ऊपर आपका साइन ओमेगा बाय टू, तो ये पाई के ऊपर जो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो टू होगा। अगर यहाँ पे वन बाय टू ले लेते हैं, वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू से कैंसिल हो जाए, ये टू से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा। तो ये पैसिव फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं मैटलैब के अंदर। इस तरीके से लेट्स सपोज हम मैटलैब में वापस चले जाते हैं, यहाँ पे मैं बीकेज लेता हूँ, बीकेज ले लेते हैं, यहाँ पे बीकेज इज इक्वल टू वन और माइनस वन लेते हैं, और अगर मैं इसका रिस्पांस कैलकुलेट करता हूँ बीकेज, तो यहाँ से मैं आपको इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो टू से वन से अबव चला गया। यहाँ पे वन से आगे जितने भी है ये सारा का सारा वन से अबव चला गया, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका एक एक्टिव फिल्टर है। एक्टिव इसे वो एक्टिव लो पास हाई पास फिल्टर है। लेकिन जैसे मैं इसको वन बाय टू किया और वन बाय टू किया, ये अब आप देखें इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखें, ये आपका पैसिव लो पास हाई पास फिल्टर बन गया। तो आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रिस्पांस आप ये देख सकते हैं यहाँ पे वन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने, जिस तरीके से हमने एक्टिव, अगर हम लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लो पास फिल्टर को एक्टिव लो पैसिव लो पास फिल्टर किया था यूजिंग टू पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर, फिर हमने उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव। अब इसमें थोड़ा सा इशू है कि हमने हायर ऑर्डर फिल्टर को किस तरीके से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाने इम्प्रूव करनी है इसमें, तो इसमें
थोड़ा सा ट्रिक ये है कि अगर आप वहां लास्ट टाइम अगर आपको याद हो जिस तरीके से हम 3 पॉइंट या 4 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर कैलकुलेट करते थे, वहां पे क्योंकि रनिंग एवरेज फिल्टर था इजीली कोफिशिएंट हमें पता थे कि 4 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर या 3 पॉइंट रनिंग एवरेज के शॉक फिल्टर के कोफिशिएंट क्या हो गए, 3 पॉइंट रनिंग एवरेज के 1/3, 1/3, 1/3 हो। अगर मैं 4 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर लूँ तो उसके 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है। इसी तरीके से 5 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे पास जो होता था 5, 1/5, 1/5, तो कॉफिशेंट हमारे इजीली हम वहां से कैलकुलेट हो जाते हैं। लेकिन जितने भी फिल्टर्स हमने डिजाइन किए थे उसमें जो जीरोस थे, लेट्स सपोज मैं अगर हम बात करता हूँ 4 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर की, अब 4 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर में अगर मैं इसका रिस्पॉन्स देखता हूँ तो देखिए आपको नजर आ रहा है क्या कि दो जीरोस जो है वो पाई, एक पाई के ऊपर है, एक माइनस पाई के ऊपर है, और एक जो है वो आपका जेड इज इक्वल टू -1 के ऊपर है। तो अगर ये जीरो में उठा के, लेट्स सपोज उठा के इस जगह पे मूव कर दूं, मसलन मेरे पास जीरो, इसको अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाना चाहूँ तो मेरे पास ये जीरो पड़ा हुआ था, तो मैंने उस जीरो को खत्म किया जो ड्रॉ हुआ हुआ है, मैं वो जीरो उठा के यहाँ पे ये दो जीरो थे, यहाँ वाला जो जीरो था इसको मूव करके मैं इधर ले आया, तो ये आपका फिल्टर कौन सा बन जाएगा, हाई पास फिल्टर बन जाएगा। उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई करना है। अब मॉडिफाई करने का तरीका बड़ा आसान सा है, इसको अगर हम मैटलैब में करना चाहें तो मुझे एक जीरो कहाँ पे चाहिए, पाई के ऊपर, एक जेड इज इक्वल टू माइनस, तो बड़ा सिंपल सा काम है, इसको हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं इसको अगर कैलकुलेट करना चाहूँ, थोड़ा सा काम हमें ज़्यादा ज़्यादा करना पड़ता है एज कम्पेयर टू लो पास फिल्टर, वो लेट्स सपोज इसके लिए मुझे बी केज लेने पड़ेंगे। अब तो मुझे पता होता है दो जीरोस जो है वो मैंने कहाँ पे रखना है, पाई के ऊपर और एक माइनस पाई के ऊपर, उसका मतलब है मैं दो जीरोज रखूंगा, 1 × 2 × cos(π/2) और इधर आ जाएगा 1, ठीक है, ये मेरे पी केस बन जाएंगे। ये फॉर्मूला है बेसिकली जीरोस को आपके वी के, अगर मैं देखूँ इसको, अगर मैं देखता हूँ और मैं सिर्फ इनको प्लॉट करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एक ऐसा फिल्टर है जिसके दो जीरो इधर, एक जीरो इधर आ गया, एक जीरो इधर आ गया। ये फॉर्मूला है बेसिकली हमने ड्राइव किया है, क्योंकि अगर हमने पोल एक जीरो फेंकना है, इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं आपको एलेबरेट कर देता हूँ। वैसे मैंने लास्ट टाइम ये आपको बैंड पास वाले को उसमें मैंने आपको किया भी हुआ है, जीरो अगर फेंकना हो तो 1 − e^(j)π/2, ये पावर में है, ठीक, (g)−1, ये आ गया, Ctrl+C Ctrl+V, और 1 − 1 के। तो इस तरीके से अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करके हमेशा से एक ही फॉर्मूला बनता है, 1 − 2 × cos(π/2), यहाँ पे अगर मैं पाई को जनरल लिख लूँ तो यहाँ पे ओमेगा आ जाए, लिख देगा कोई भी एंगल आ सकता है ओमेगा में, यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा तो इधर आ जाएगा जनरल, ये बन जाएगा −2 cos(ω)(1), या इधर (g)−1 और इधर आ जाएगा, (g)−2, यानी कि कोफिशिएंट बन जाएंगे 1 − 2 cos(ω) और -1। तो सेम हमने यही काम हमने यहाँ पे मैटलैब में किया है कि आपके जो कोफिशिएंट ले लिए 1 − 2 cos(π/2) की जगह π/2, क्योंकि जीरो हमने π/2 पे फेंकनी है और कॉम्प्लेक्स जीरो हमेशा पेयर में रखते हैं, और 1 आ गया। तो अब अगर मैं क्या करूँ, इसको कन्वॉल्व कर लूँ बी केस को, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी h_BK, यानी कि हाई पास के जो बी केस हैं, दैट इज इक्वल टू
मैं दोनों काम कर सकता हूँ, लो पास भी कर सकता हूँ, हाई पास भी बना सकता हूँ। वो कैसे, मैं इसको अगर कन्वॉल्व कर लेता हूँ किसके साथ, बीके को कन्वॉल्व कर लेता हूँ 1/2 और 1/2 के साथ, -1/2 के साथ, तो ये एक हाई पास फिल्टर है। यानी कि मैंने क्या किया, उठा के एक जीरो इस जगह पे फेंक दी ओमेगा इज इक्वल टू 1 के ऊपर, ठीक है, ये मेरे पास इस फिल्टर के कोफिशिएंट आ जाएंगे। ये मेरे पास इसके कोफिशिएंट आ गए। अब अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एक हाई पास फिल्टर, ओ सॉरी एच अंडरस्कोर बीके, ये हमारे पास हाई पास फिल्टर बन गया। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने वो उधर बनाया था, लेकिन अब ये क्या है, बाउंड्री बाउंडेड रियल ट्रांस वो नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ी सी और टेक्निक लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये 2 से हो रहा है, तो हम इन बी केस को 1/2 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, लेट्स पुश करके देख लेते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाय, तो अब अगर आप देखें तो बी के सॉरी एच अंडरस्कोर पीके, तो ये एक बाउंड्री रियल ट्रांसफर फंक्शन। थोड़ा सा हमें टेक्निक्स जो है वो लगानी पड़ती है, तो इस तरीके से आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं। सेम यही काम आप बाकी फिल्टर्स के ऊपर भी कर सकते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करने के लिए हाई पास फिल्टर। मसलन लेट्स सपोज यही काम मैं एक और ले लेता हूँ, ये मैंने लिया था 3-4 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर, अब मैं ले लेता हूँ 6 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर के लिए। तो 6 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर अगर हम देखें तो उसका जो लो पास बनता है वो लिख लेते हैं, बी के इज इक्वल टू 1। तो 6 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर में लेट्स सपोज मैंने आप बीकेज ले लिए थे हमने, बी के इज इक्वल टू लेट्स सपोज सी 1.6 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हमने प्लॉट कर लिया बीकेज माय रिस्पांस, ये प्लॉट किया इधर आ गया, और इसको अगर हम देखें तो ये एक लो पास फिल्टर है। अगर हमने इसको हाई पास फिल्टर बनाना है, अगेन ये जीरो उठा के इस जगह पे डालते हैं। इसकी कैलकुलेशन में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम डायरेक्ट मिले कर सकते हैं, लो पास फिल्टर को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इसी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिहाज से। सेम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का हाई पास फिल्टर बनाना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो जीरो -1 पे पड़ा है इसको 1 पे मूव कर दें। मसलन अगेन हम क्या करेंगे, बी के ले लेंगे, बी के 1 इज इक्वल टू यहाँ पे ले लिया 5/3 के ऊपर, लेट्स सपोज ये मेरे पास 1 आ गया, इसके ऊपर मैं करता हूँ ये 1 आ गया, कैलकुलेट हो गया। मैं इसको प्लॉट करता साथ साथ दिखाते रहता हूँ, बी के 1 आ गया, तो इसमें देखे तो ये चीज आ गई। इसी तरीके से 120 पे डालना है, तो 2π/3 2 × π/3, और इसको मैं बी के 2 का नाम दे देता हूँ, ये आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट करें, माई रिस्पॉन्स बी के 2, तो ये देखें ये वाला 0। अब अगर हम इन दोनों को कन्वॉल्व कर लें तो बी के इज इक्वल टू CONV, इसको मैं 1-2 का नाम दे देता हूँ, यानी कि इसमें बी के 1 कॉमा बी के 2 आ रहा है। इसको अगर हम देखें तो ये इसके कोफिशिएंट निकला है, और माई रिस्पॉन्स में जाके इसको मैं 1-2 करता हूँ तो देख सकते हैं। अब अगर तो मैं 0π पे फेंक दूंगा, -1 पे फेंकूंगा, तो ये लो पास फिल्टर बन जाएगा, अगर मैं 1 पे फेंकूंगा तो ये हाई पास, क्योंकि अब हमने इसको बनाना है हाई पास फिल्टर। तो इसका मतलब ये है बी के 1-2 को मिसल बी के ज्यादा हाई, बी के अंडरस्कोर एच जो है यानी कि हाई पास फिल्टर, ठीक है, यूजिंग 6 पॉइंट रनिंग फिल्टर में जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इसको हम कन्वॉल्व कर लेंगे, CONV कन्वॉल्व कर लिया बी के 1-2 के साथ कॉमा 1/2 -1/2, तो ये जीरो क्या करेगा, यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, तो ये एक हाई पास फिल्टर बन जाएगा। यहाँ से एंटर करें, ये इसके कोफिशिएंट आ गए, ठीक है। अब आप इसका रिस्पांस देखें, बी के अंडरस्कोर एच, तो आप देख सकते हैं ये एक हाई पास फिल्टर, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपकी इंप्रूव हो गई। अगेन वही बात,
जिन दो जीरोस के दरमियान डिफरेंस ज्यादा होगा उधर ही पीक सबसे ज्यादा आ रही हो, तो इन दो जीरो के दरमियान डिफरेंस ज्यादा था तो पीक भी आपको यहीं पर नजर आना शुरू होगी, तो ये आपके पास हाई पास फिल्टर बन जाएगा। इसी तरीके से बाकी भी फिल्टर आप की मदद से आप बाकी हाई पास और उसके कोफिशेंट क्या है वो आपको नजर आ रहे हैं। इसको अगर आपने जो है वो बनाना है पैसिव तो 1/3 से इसको डिवाइड कर दें, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आपको पीक रिस्पांस में नजर आ रही है, तो ये आपके पास एक पैसिव हाई पास फिल्टर बन जाएगा। तो इसमें हमारे लिए आसानी होती है डिजिटल फिल्टर डिजाइनिंग में, हम इसको इजीली मैटलैब में देख के या डिजाइन करके अपनी वैल्यूज के लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो होप करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपने अपने मीडिया सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, अगर कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने कमेंट्स करना है, ठीक है। बाकी जो उससे पिछले जो लेक्चर है उनके जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।